नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप फाइव। सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों का आईबीस 24 को पुनः शीर्ष पर रखने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। वादा आपसे, आपको हमेशा खबरों से रखेंगे अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप फाइव, देखते हैं 25 खबरों का पूरा अपडेट। सबसे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय खबर का अपडेट। कुवैत के मंगाव शहर में भारतीय मजदूरों की 6 मंजिला इमारत में लगी आग में झुलसकर 42 भारतीयों समेत कुल 49 लोगों की मृत्यु अब तक हुई है। 50 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है, इनमें से कुछ गंभीर हैं। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिव्यू मीटिंग बुलाई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को कुवैत भेजा। मृतकों के शव को भारत लाने के लिए वायुसेना का जहाज वहां जा चुका है। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के परिजन को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। केरल सरकार ने भी 5-5 लाख के मुआवजे की घोषणा की। कुवैत के उप प्रधानमंत्री फहद यूसुफ अल सबा ने घटनास्थल का दौरा किया है और इसके जांच के आदेश दे दिए। इमारत के मालिक, चौकीदार, श्रमिकों के लिए जिम्मेदार कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश भी हो चुका है। Situation is that the victims are mostly are burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So a DNA test is underway to identify the victims, and Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed. And the latest figures that we had last night, the casualty figures are around 48, 49, out of which 42 or 43 are believed to be our countrymen, Indians. इधर जम्मू कश्मीर में बीते 72 घंटों में चौथा आतंकी हमला हुआ है। डोडा में 2 आतंकी अटैक में 6 जवान घायल हुए हैं, साथ ही कठुआ में छिंदवाड़ा का हार शहीद हो गया। 2 आतंकी हालांकि ढेर हुए हैं, यह अच्छी बात है। कल हुई मुठभेड़ में छिंदवाड़ा का जवान शहीद हुआ था, जिसका पार्थिव देह आज उसके गृहग्राम पहुंचा। शहीद के शव को दिल्ली से नागपुर लाया गया, नागपुर से सड़क मार्ग से गृहग्राम पुलपुल डोह लाया गया। गुरुग्राम में राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। तो छिंदवाड़ा में शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई। शहीद जवान कबीर दास उइके को अंतिम विदाई दी गई है। राजकीय सम्मान के साथ इस शहीद को सभी ने नम आंखों से विदाई दी है। छिंदवाड़ा के गृहग्राम में उनका अंतिम संस्कार हुआ है। इस दौरान मंत्री संपत्ति आविके, सांसद विवेक बंटी साहू भी मौजूद रहे। नीट परीक्षा में गैस मास्क को लेकर छिड़े विवाद के बीच एनटीए ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मास्क को वापस लिया जा रहा। अब इन लोगों का स्कोर कार्ड बिना ग्रेस मास्क के ही दिखेगा और उसके आधार पर ही मेरिट तैयार होगी। इसके अलावा यदि ग्रेस मास्क पाने वाले छात्र दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं तो वो 23 जून को एग्जाम में बैठ सकते हैं। केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि इस परीक्षा का रिजल्ट भी 30 जून को जारी कर दिया जाएगा। यही नहीं, इन 1563 छात्रों के पास परीक्षा ना देने का विकल्प भी होगा। परीक्षा ना देने वाले छात्र गैस मास्क हटने के बाद बने स्कोर कार्ड के साथ काउंसलिंग में शामिल होंगे। वहीं परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए 30 जून को रिजल्ट आने के बाद नया स्कोर कार्ड तैयार होगा। आज ग्रेस मास्क का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लेरिफिकेशन दिया, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपियर होंगे 23rd of June को और इनका रिजल्ट 30th of June को डिक्लेयर किया जाएगा। मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। इधर बलौदा बाजार में हुई हिंसक घटना और आगजनी के बाद अब पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मामले की जांच के लिए पूर्व मंत्री शिव डहरिया के नेतृत्व में 7 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। कांग्रेस जांच दल आज गिरौदपुरी स्थित अमर गुफा पहुंचा और यहां का निरीक्षण किया गया। इसके बाद ये टीम कलेक्ट्रेट पहुंची जहां आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी, यहां भी टीम ने निरीक्षण किया है। अब सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। राजधानी रायपुर से खबर है जहां कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी को घेरते हुए हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सतनामियों को औरंगजेब से ज्यादा प्रताड़ित करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। बीजेपी सरकार में सतनामी समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार औरंगजेब से भी आगे निकल गई है। वहीं शिव डहरिया के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा है कि शिव डहरिया हमेशा झूठ और बेबुनियाद बात करते हैं। सतनामी समाज का सम्मान बीजेपी सरकार ने बढ़ाया है। अंबेडकर के मान सम्मान को बीजेपी ने बढ़ाया। कांग्रेस ने अंबेडकर के साथ क्या किया ये सब जानते हैं। निश्चित रूप से मैंने कल कहा था कि जिस तरह से औरंगजेब ने सतनामियों को प्रताड़ित किया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है औरंगजेब से भी आगे निकल गई सतनामियों को प्रताड़ित। पिछले 5 सालों में किस प्रकार से सतनामी समाज के साथ ज्यादतियां हुई है ये समाज के लोग बखूबी जानते हैं। शिव कुमार डहरिया जी का बयान बेबुनियाद और राजनीतिक बयान है। तो जिस तरह के पॉलिटिकल बयान इस संवेदनशील मामले में आ रहे हैं, सवाल उठता है कि इस समय पर सद्भाव शांति जरूरी है या ये सियासत जरूरी है। इसी पर है आज की डिबेट छत्तीसगढ़ की बात, रात 8 बजे देखना मत भूलिएगा। बलौदाबाजार जिले में जो आगजनी और पथराव की घटना हुई, इसको लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ अब लामबंद हो गया है। संघ ने घटना का विरोध किया, कर्मचारियों की सुरक्षा और क्षतिपूर्ति मुआवजे की मांग की है। संघ कहता है कि कई कर्मचारी इस घटना में चोटिल हुए हैं, ऐसे में सरकार को तत्काल इस पर संज्ञान लेकर कर्मचारी हित में नुकसान की क्षतिपूर्ति, मुआवजा, सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे कदम उठाने चाहिए। और इधर छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित सांसदों के दौरे शुरू हो चुके हैं। कांकेर लोकसभा सीट से नव निर्वाचित सांसद भोजराज नाग चुनाव जीतने के बाद पहली बार सिहावा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। मगरलोड, कुकरेल, नगरी, बेलर गांव मंडल में पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता से मिले हैं, समस्याओं को सुना है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित सांसद महेश कश्यप भी पहली बार कोंडा गांव पहुंचे। बस स्टैंड पर विश्वहिंदु परिषद और बजरंग दल ने उनका भव्य स्वागत किया, उन्हें लड्डुओं से तोला। महेश कश्यप ने बीजेपी जिला कार्यालय के अटल सदन में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जगदलपुर का दौरा भी किया। ये 3 तस्वीरें उससे जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर है, बुधनी की सीट खाली हुई है। कांग्रेस ने इस पर तैयारी पूरी कर ली है। बुधनी सीट को लेकर कांग्रेस की तैयारी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल यहां के प्रभारी बनाए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है। बुधनी उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर संवाद करेंगे। शिवराज सिंह के सांसद बनने के बाद बुधनी विधानसभा सीट खाली हुई है। इधर मध्य प्रदेश में आज से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इस हवाई सेवा की शुरुआत की है। ये प्लेन भोपाल से जबलपुर रीवा होकर सिंगरौली जाएगी। जबलपुर पहुंचने पर वाटर कैनन से 6 सीटर प्लेन का स्वागत किया जाएगा। साथ ही सीएम ने टिकट काउंटर का भी उद्घाटन किया। इस सेवा के जरिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली भी आपस से कनेक्ट होंगे और अलग अलग शहरों में सेवा 2-2 दिन मिल सकेगी। इंदौर में इस सेवा की शुरुआत 16 जून से होगी। शुरुआती पहले 30 दिन तक यात्रियों को 50% तक की छूट मिलेगी। इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 55 जिलों में से 30 हमारी हवाई पट्टियां हैं जिसका हम तुरंत विकास करेंगे। संदीप जी जल्दी एक भी छूटेगी नहीं है और आगे भी बढ़ाएंगे, हर जिले में कोशिश करेंगे और इसके माध्यम से आज ये जो सौगात दे रहे हैं इसकी आगे चल करके अभी 16 तारीख से वापस एक और नई सौगात देने वाले हैं। तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी धार्मिक पर्यटन को स्थल को बढ़ावा देने के लिए अभी गुंजाइश बन रहे हैं और आगे जाकर के इनको बाकी पर्यटन केंद्र से भी जुड़ेंगे।
और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, बड़ी खबर है, तीसरी बार एनएससी नियुक्त हुए हैं अजीत डोभाल, पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने रहेंगे। तो दोनों पदों में, दोनों महत्वपूर्ण पदों में जो व्यक्ति हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, शपथ ग्रहण रविवार को हुआ और अब घोषणा हुई है एनएसए बने रहेंगे अजीत डोभाल, तीसरी बार उनको एनएसए बनाया गया है। पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पद पर ही रहेंगे। तो बड़ा अपडेट है इस वक्त दिल्ली से, तीसरी बार एनएसए बनाए गए हैं अजीत डोभाल। आज प्रधानमंत्री ने भी एक के बाद एक कई मीटिंग्स ली हैं और इसके बाद ये बड़ा अपडेट निकला है, पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहेंगे। आज जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का घटनाक्रम है, इस पर भी मंथन हुआ है, समीक्षा हुई है, केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने समीक्षा की और इसी बीच ये बड़ा अपडेट है, पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के सचिव बने रहेंगे और साथ ही साथ अजीत डोभाल तीसरी बार एनएसए बनाए गए हैं। और इसी बीच नागपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, बारूद की फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है, 5 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग इस विस्फोट में घायल हैं और इनमें से 3 घायलों की स्थिति बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। धामना इलाके में ये फैक्ट्री स्थित है जहां पर विस्फोट हुआ है, बारूद की फैक्ट्री बताई जा रही है। 5 लोगों की मौत की सूचना अब तक मिल पाई है जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हैं, 3 लोग बेहद गंभीर है, स्थिति उनकी क्रिटिकल है, इलाज उनका जारी है। धामना इलाके में बारूद की फैक्ट्री स्थित है। इधर मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले के खुलासे के बाद से प्रदेश सरकार की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, जिससे नर्सिंग की परीक्षा दे चुके स्टूडेंट्स ने अब मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने जेपी अस्पताल में आज जमकर प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ तख्तियां लहराकर अपनी नाराजगी जाहिर की। और वहीं खंडवा में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब चलती ट्रेन से दुल्हा अचानक गायब हो गया और कुछ घंटों की तलाश में दूल्हे की लाश ट्रैक पर मिली। दूल्हे की जान कैसे गई इसका खुलासा तो फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन परिजन आशंका जता रहे हैं कि चलती ट्रेन से गिरने की वजह से दूल्हे की मौत हो गई है। मुरैना जिले में पुलिस आरक्षक शिवशंकर रावत के अपहरण की शिकायत झूठी निकली है। पुलिस आरक्षक ने खुद के अपहरण होने की कहानी रची और पत्नी को फोन करके 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसके बाद आरक्षक शिवशंकर रावत की पत्नी ने पुलिस थाने सबलगढ़ में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस अधिकारियों की ने टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने चंबल के बीड़ो और राजस्थान इलाके में सर्चिंग की और साइबर पुलिस की मदद से फोन नंबर ट्रेस किए, जिसमें अपहरण की ये पूरी कहानी झूठी निकली। फिरौती मांगी गई और वो सब ये सब बेबुनियाद है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो है कहीं ना कहीं ये जो आरक्षक है इनकी इसमें कुछ ना कुछ भूमिका है और आगे इनसे बातचीत के बाद ही सारी चीज स्पष्ट हो पाएगी। कहानी वन विभाग ने पकड़ लिया है, सुराई के जंगलों से बाघ को पकड़ा गया है। पन्ना और कान्हा टाइगर रिजर्व से टीम यहां पर पहुंची हुई थी। 5 जून से वन विभाग इस बाघ की तलाश में था। 5 हाथियों के साथ यहां 200 से अधिक जो वन विभाग के जवान थे वो लगे हुए थे। तो एक बड़ी सफलता यहां पर कामयाबी मिली है कि आखिरकार बाघ को पकड़ लिया गया। रायसेन से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आदमखोर बाघ को वन विभाग ने पकड़ लिया है। सुराई के जंगलों से इस बाघ को पकड़ा गया है। पन्ना और कान्हा टाइगर रिजर्व से टीम यहां पर पहुंची हुई थी। 5 जून से वन विभाग इस बाघ की तलाश में जुटा हुआ था। 5 हाथियों के साथ यहां पर 200 से अधिक जो वन विभाग के जवान थे वो यहां पर जुटे हुए थे। संतोष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। संतोष, आखिरकार ये सफलता मिली, बाघ को पकड़ लिया गया है? जी देखिए, बिल्कुल बराबर 4 महीने से बाघ रायसेन के आसपास लोगों को परेशान कर रहा था, ग्रामीण दहशत में थे। वन विभाग रायसेन उस बाघ को टैली भी नहीं कर पाया था, तब जाकर फिर प्रदेश स्तर पर इस बाघ को पकड़ने के लिए पन्ना और कान्हा की जो टीमें आई थी उनके द्वारा इस बाघ का रेस्क्यू किया गया, वो भी तकरीबन 8 दिन में वो ये टीम इस सफलता पर पहुंच पाई थी। संतोष, जैसा हमको बता रहे हैं कि एक लंबे प्रयास के बाद ये कामयाबी मिली है, आपको भी याद होगा
दर्शकों को भी याद दिलाना चाहेंगे, पड़ताल भी हमने इस पर की थी, इस आदमखोर बाघ की वजह से पूरा का पूरा इलाका, गांव के गांव और क्षेत्र के क्षेत्र दहशत में जी रहे थे। अब इस दहशत से थोड़ी निजात मिलेगी, इस कामयाबी पर और इस पूरी टेक्निक के ऊपर किन लोगों ने मिलकर काम किया, थोड़ा बताएं। जी देखिए, 200 सदस्यीय टीम थी जो कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व की थी, साथ में रायसेन जिले के वन विभाग के जो एक्सपर्ट लोग थे, वन विभाग जो भोपाल के हैं उनके एक्सपर्ट लोग थे, सभी लोगों ने मिलकर ये प्रयास किया था। 100 कैमरे लगाए गए थे, तब जाकर वो बाघ कैमरे में आया, कैप्चर हुआ, और उस बाघ के पीछे हाथियों के दल ने पीछा किया, तब जाकर वो बाघ कहीं पकड़ा पाया। हालांकि IBC 24 ने बराबर बाकी बाघ के बारे में बताया था और रात भी बताई थी उन गांव में जहां पर लोग दहशत में जी रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो गनीमत है कि इतनी लंबी मेहनत के बाद में, आखिरकार मशक्कत के बाद में इसको पकड़ा गया है, और इस पर हमने पड़ताल भी दिखाई थी लगातार, कैसे पूरे इलाके में लोग कठिनाई में जी रहे थे, इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, क्षेत्र में लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्या दिक्कतें उनको आ रही, इस पर भी हमने पड़ताल की थी। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है जहां छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को एक खबर परेशान करेगी। जानकारी मिल रही है SECR की 50 ट्रेनें रद्द हो गई हैं और 8 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। कारण बताया जा रहा है लाइन कनेक्टिविटी के चलते और नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण इन ट्रेनों को, कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, किसी ट्रेन को डायवर्ट किया गया है। 22 जून से 11 जुलाई तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा, यात्रियों को परेशानी होगी। तो यात्रीगण के लिए यह खबर है, लाइन कनेक्टिविटी और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 22 जून से 11 जुलाई तक ट्रेन कैंसिल रहने वाली हैं या फिर डाइवर्टेड रहेंगे। खबर अंबिकापुर से है जहां एक नाबालिग पहाड़ी कोरवा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए यह नाबालिग गई थी जिसके साथ दरिंदगी हुई है। पुलिस ने फिलहाल मामले में 2 नाबालिग सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। और आपको मध्य प्रदेश के रीवा लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको रीवा से हम दिखा रहे हैं। तो आज कुछ बड़ी योजनाओं की लॉन्चिंग की गई है, पीएम श्री योजना के शुभारंभ के साथ साथ एक पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है जल संरक्षण को लेकर। और इसी बीच ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रीवा से, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं रीवा से, ये लाइव तस्वीर है। जल गंगा संवर्धन अभियान में वे शामिल हुए। तो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसके तहत पूरे प्रदेश में नदियों, तालाबों और जितने जल स्रोत हैं उनकी सफाई, उनके संरक्षण और उनके संवर्धन का काम सरकार ने युद्ध स्तर पर मिशन मोड में लिया है। तो रीवा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल गंगा संवर्धन अभियान का हिस्सा बने, और ये देखिए आप गौ माता का पूजन भी वे करते नजर आ रहे हैं, गौ ग्रास देते भी नजर आए थे कुछ देर पहले, अभी आपने देखा गौ माता का पूजन भी किया, उन्हें ग्रास देकर प्रकृति से, गौ सेवा से लोगों को जुड़ने का संकल्प लेने के लिए अपील करते हुए नजर आए। रीवा से तस्वीरें आप देख रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान है, महत्वपूर्ण अभियान है जिसमें अधिकारी से लेकर जन प्रतिनिधि तक और एक जन आंदोलन बनाकर इसे जागरूक करने का मिशन भी बनाया जा रहा है।
गौ पूजन करते आपको नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। राजीव हमारे सहयोगी जुड़ गए रीवा से। राजीव, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री गौ पूजन करते नजर आए हैं, पूरा कार्यक्रम उनका बताएं। बिल्कुल, आपको बताऊं कि डॉक्टर मोहन यादव रीवा लक्ष्मण बाग में पहुंचे हुए हैं। मंदिर प्रांगण में आयोजित जन गंगा संवर्धन अभियान के तहत जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें शामिल होने के लिए वहाँ बिछिया नदी के पास जो ये गौशाला है और लक्ष्मण बाग है वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और गौ पूजन कर रहे हैं। इसके बाद सभा को संबोधित करेंगे, संवाद करेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। काफी उत्साह नजर आ रहा हम देख रहे हैं, गौ पूजन करते समय गौ ग्रास भी उन्होंने खिलाया। क्या संदेश है और खास तौर पर ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान है इसके तहत किस तरह से लोगों को भी कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ा जा रहा है, बताएं इसके बारे में। बिल्कुल, आपको बताऊं कि ये 70 करोड़ 95 लाख के ये विकास कार्यों का के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाएंगे उसका भूमि पूजन भी करने वाले हैं। काफी उत्साहित हैं और ये रीवा ही नहीं बल्कि हर जगह यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो सीएम मोहन यादव का आज रीवा में कार्यक्रम के तहत उनका आना हुआ है एक दिवसीय की, और इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, इसमें जन संवाद भी करने वाले हैं लोगों से। जी, चुनाव खत्म होने के बाद एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है राज्य सरकार का, हालांकि देश स्तर पर इसकी आवश्यकता दिखती है, जैसे गर्मी का सीजन है, जैसे कई जल स्रोत सूखते हैं। अब वर्षा ऋतु के पहले, मॉनसून के ठीक पहले ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसका लाभ होगा क्षेत्र में, लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, काफी ज्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक जागरूकता भी फैल रही है लोगों के बीच में, और निश्चित ही इसका जो कार्यक्रम रखा गया है इसके बाद लोगों में जागरूकता आएगी और इसका असर भी देखने को मिलेगा आने वाले समय में। चलिए, तो ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, राजीव हमको बता रहे हैं कि लोगों में भारी उत्साह है। मुख्यमंत्री गौ पूजन के बाद में जो एक गौशाला बनी है नदी तट पर, उसके बाद में वहाँ संबोधन भी होने वाला है, सुनेंगे वे क्या कहते हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीर हमने दिखाई, शुक्रिया राजीव आपका इस अपडेट के लिए। टॉप फाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन हर खबर का अपडेट और बड़े विषयों पर डिबेट आपको मिलेगी नंबर वन न्यूज चैनल IBS 24 पर। देखते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। फिलहाल हम इजाजत दें, नमस्कार।